त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आज गढ़वा में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप द्वारा पहला प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां मौजूद सभी प्रेस वालों को चुनाव की तैयारी की बाबत सारी बातें बताई गई। उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। त्रिस्तरीय आम पंचायत निर्वाचन 2022 को लेकर अधिसूचना निर्गत की गई है। पूरे राज्य में जो चार फेजों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें गढ़वा जिले की हम बात करें तो हमारे यहाँ पहले, तीसरे और चौथे चरण में हमारे जिले के जो 2448 बूथ है उसमें ये वोट डाले जाएंगे। इसमें हमारा रंका अनुमंडल फर्स्ट फेज में है, नगर उटारी जो बंसीधर नगर हमारा अनुमंडल है वो तीसरे चरण में, और गढ़वा अनुमंडल में लास्ट फेज में चौथे चरण में ये वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर अभी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, विभिन्न जो हमारे सेल है उसका गठन हो गया है और ये चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न कराने के लिए सारी कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर। कुछ आयोग के उम्मीदवार कुछ आयोग उम्मीदवार भी हैं सर, हमारे यहाँ पे जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा 25 जुलाई जिला गजट में 23 फरवरी 2021 में जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था उसके आलोक में हमारे जिले में पंचायत समिति वार्ड और मुखिया पद के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया था ससमय, ऐसे कुल 1676 अभ्यर्थी हैं जिनको 23 फरवरी 2021 के आदेश की तिथि से अगले 3 साल के लिए उनको निरहित घोषित किया गया है। तो ये बेसिकली जो अभ्यर्थी थे वो इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़े। सर अति संवेदनशील में क्या तैयारी है? देखिए, जो हम लोगों ने हम लोगों का अभी जो असेसमेंट करके आया है, हम लोगों ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगा था, तो जिले के जो कुल 2448 बूथ है उनमें से जो संवेदनशील बूथ है हमारे वो 1189 बूथ है और अति संवेदनशील 589 बूथ है हमारे, लेकिन इसको हम लोग फिर से रिविजिट कर रहे हैं। बेसिकली ये पॉलिटिकली संवेदनशील करके उनके द्वारा रिपोर्ट किए हैं, तो हम लोगों ने फिर से सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी कहा है कि इसको रिविजिट करें और जिस भी कैटेगरी के बूथ रहेंगे हम लोग हर हाल में इंश्योर करेंगे कि वहां पे जो भी फोर्स की व्यवस्था होगी या फिर फोर्स मल्टीप्लायर होंगे, चाहे वो उस बूथ पे हम लोगों को सीसीटीवी लगाने की बात हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है वो की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो मतदाता है वो निष्पक्ष तरीके से निर्भय होकर अपना वोट डाल सकेंगे, ये जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में हम सुनिश्चित करेंगे।